गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th. नाउ टुडे वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज 3.1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने कंसेप्ट समझा दिया है चैप्टर का, जितना भी कंसेप्ट था. फिर चाहे वो इक्वेशन सोल्व करके उसका आंसर निकालना हो, या फिर हमें कंडीशन चेक करनी हो, या फिर कंडीशन गिवन हो क्वेश्चन में हमें अननोन वेरिएबल के या फिर लैम्डा को निकालना हो, व्हाटएवर. अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1. 3.1 में तीन वर्ड प्रॉब्लम है, पेज नंबर इज 44. तो फटाफट देखिए आप फर्स्ट प्रॉब्लम में कह रहे हैं कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर. आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 ईयर एगो, इनकी 7 साल पहले, आई वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन. आफ्ताब बोल रहा है अपनी बेटी को कि 7 ईयर एगो, 7 साल पहले जो आपकी एज थी उसका 7 टाइम कर दीजिए, वो उस वक्त मेरी एज थी. ठीक है, उसके बाद क्या है आफ्ताब, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद आई सेल बी में हो जाऊंगा 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी. आफ्ताब बोल रहा है कि अब से 3 साल बाद जो आपकी एज होगी उसका 3 टाइम कर देना, वो उस वक्त मेरी एज होगी. ठीक है, तो आफ्ताब ने 2 परस्पेक्टिव में बात की है, एक 7 ईयर एगो, एक 3 ईयर फ्रॉम नाउ. आफ्ताब 2 बार बात कर रहा है, एक बार बात कर रहा है 7 साल पहले की, और एक बार बात कर रहा है 3 साल बाद की. 7 साल पहले वो बेटी से बोल रहा है कि जो एज आपकी थी 7 साल पहले उसका 7 टाइम कर दीजिए, वो उस वक्त मेरी एज थी, और अब से 3 साल बाद जो एज आपकी होगी उसका 3 टाइम कर दीजिए, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उस वक्त मेरी एज होगी. ठीक है, ऐसे बोल रहा है. तो हम क्या करेंगे, हम 7 साल पहले और 3 साल बाद केवल तब जा सकते हैं जब हमारे पास प्रेजेंट एज अवेलेबल होगी. मान लीजिए आप जानते हैं अपनी एज को, तो 7 साल बाद आप क्या करेंगे, 7 प्लस कर देंगे, 3 साल पहले आप 3 माइनस कर देंगे. तो आप कब कर पा रहे हैं ये सब, जब आप अपनी प्रेजेंट टाइम की एज को जानते हैं. तो हमें आफ्ताब और डॉटर दोनों की प्रेजेंट टाइम एज को एज्यूम करना पड़ेगा एज अ एक्स वाई. ठीक है, तो हम यहां पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट करंट एज एज ऑफ आफ्ताब एंड हर डॉटर इज एक्स एंड वाई. ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि आफ्ताब और डॉटर, आफ्ताब की एज हमने एक्स मान ली, डॉटर की एज हमने वाई मान ली. ठीक है, तो इस तरह से हमने उन दोनों की एज को एक्स वाई मान लिया है. चलिए अब बात करते हैं 7 ईयर एगो. सात साल पहले की बात करते हैं. अब देखो, जिसकी एज फिलहाल एक्स है तो 7 साल पहले क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 7, और बेटी की एज वाई है फिलहाल करंट टाइम पे, तो उसकी एज उस वक्त क्या हो जाएगी, क्या रही होगी उसकी एज 7 साल पहले, वाई माइनस 7. क्योंकि यदि आप जाएंगे अपने पास्ट में तो माइनस करना पड़ेगा, आप जाएंगे फ्यूचर में तो प्लस करना पड़ेगा. समझ में आया ना कुछ. चलिए, तो 7 साल पहले जो आफ्ताब है उनकी एज हो जाएगी एक्स माइनस 7, और जो बेटी है उसकी एज हो गई वाई माइनस 7. अब हम बोल रहे हैं कि बेटी की एज वाई माइनस 7 है 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, बट वहां पे तो कुछ और कह रहे हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 7 साल पहले जो बेटी की एज है वाई माइनस 7, उसका 7 टाइम कीजिए, ये एज 7 साल पहले आफ्ताब की है, ये एज 7 साल पहले आफ्ताब की है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन जो हमने निकाली है उसमें 7 ईयर एगो आफ्ताब की एज आ रही है एक्स माइनस 7.
तो इस x माइनस सेवन को हम इक्वल्स टू रख देंगे सेवन टाइम ऑफ y माइनस सेवन के, ठीक है, क्योंकि ये भी सात साल पहले आफ्ताब की एज है और ये भी आफ्ताब की एज है। ये तब मिली है जब बेटी की एज को सेवन से मल्टीप्लाई किया है क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, x माइनस सेवन इक्वल्स टू सेवन वाई माइनस फोर्टी नाइन। सो x माइनस सेवन वाई इक्वल्स टू माइनस फोर्टी नाइन प्लस सेवन। सो x माइनस सेवन वाई इक्वल्स टू माइनस फोर्टी टू। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। चलिए अब चलते हैं थ्री ईयर हेंस, तीन साल बाद की बात करते हैं, जब तीन साल बीत गए तो तब की बात करते हैं। अब देखो तीन साल बाद जो आफ्ताब और उनकी जो बेटी है वो कितने की हो जाएंगी, आफ्ताब फिलहाल एक्स ईयर के हैं, आफ्ताब की जो एज है वो तो हो जाएगी फिर एक्स प्लस थ्री और जो बेटी है वो हो जाएगी वाई प्लस थ्री, ठीक है। अब से तीन साल बाद आफ्ताब हो जाएंगे x प्लस थ्री के और जो उनकी बेटी है वो हो जाएंगी y प्लस थ्री की। लेकिन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो कह रहे हैं कि तीन साल बाद जो बेटी की एज होगी, बेटी की एज क्या है तीन साल बाद y प्लस थ्री, उसका थ्री टाइम कर दीजिए तो ये एज आफ्ताब की होगी तीन साल बाद। लेकिन आफ्ताब की एज कितनी है तीन साल बाद, x प्लस थ्री, तो हम लिख सकते हैं x प्लस थ्री प्लस टू थ्री टाइम ऑफ y प्लस थ्री, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, x प्लस थ्री प्लस टू थ्री वाई प्लस नाइन। सो x माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू नाइन माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्स, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब पढ़िए क्वेश्चन को आप आगे, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली का मतलब होता है कि आप सिचुएशन को अच्छे से रीड आउट करें और उसको कन्वर्ट करें आप इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमने कर दिया है। आप देख रहे हैं हमारे पास में दो इक्वेशन है, फर्स्ट इज x माइनस सेवन वाई इक्वल्स टू माइनस फोर्टी टू, सेकेंड इज x माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्स। तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, उसके बाद कह रहे हैं ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करो, तो ग्राफिकली आप अपने आप करेंगे, ठीक है। ग्राफ पेपर लीजिए, क्योंकि मैंने ग्राफिकली आपको मेथड पढ़ा दिया है, ग्राफिकल मेथड पढ़ा दिया है मैंने आपको। आप इन दोनों इक्वेशन के रिगार्डिंग दो पॉइंट टेबल बनाओ और उन पॉइंट टेबल के जो पॉइंट हैं वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट कीजिए, उनको स्केल से ज्वाइन कीजिए, देन यू विल ऑब्टेन टू स्ट्रेट लाइन ऑन दैट ग्राफ पेपर, क्लियर। तो आप वो काम अपने आप करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं, इन क्वेश्चन नंबर टू वो कह रहे हैं कि एक कोच है क्रिकेट टीम के, वो कुछ बॉल और बैट परचेज कर रहे हैं मार्केट से, ठीक है। तो हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ वन बैट एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन बैट इज वाई रुपीज, क्लियर। अब उन्होंने क्या किया, फर्स्ट डे थ्री बैट लिए सिक्स बॉल ली और पे किया शॉपकीपर को 3900 रुपीज। अनदर डे उन्होंने थ्री बॉल और ली और एक बैट लिया और पे किया उस शॉपकीपर को 1300 रुपीज, क्लियर। तो पूछ रहे हैं आपसे कॉस्ट ऑफ वन बैट एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितना है, तो हम एज्यूम कर लेंगे दैट कॉस्ट ऑफ वन बैट इज एक्स रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज वाई रुपीज,
ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे। हमने क्या एज्यूम कर लिया है कि कॉस्ट ऑफ वन बैट इज एक्स रुपीज, कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज वाई रुपीज। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं फर्स्ट सिचुएशन। फर्स्ट क्या हुआ कि जब कोश ने थ्री बैट लिए और सिक्स बॉल ली तो उन्होंने पे किया 3,900 रुपीज। तो आप इस स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। अब देखो, उन्होंने थ्री बैट लिए, हमारे यहां पे एक बैट की जो कॉस्ट है वो एक्स रुपीज है, उन्होंने लिए थ्री, सो उनको पे करना पड़ेगा 3x। उसके बाद हमारे यहां पे एक बॉल की जो कॉस्ट है वाई रुपीज है, उन्होंने ली 6 बॉल, सो उन्हें पे करना पड़ेगा फिर 6y। ये अमाउंट हुई थ्री बैट के रिगार्डिंग, ये अमाउंट हुई 6 बॉल के रिगार्डिंग, तो कुल मिलाकर के उनको इतना पे करना पड़ेगा 3x प्लस 6y। बट क्वेश्चन में कह रहे हैं उन्होंने पे किया 3,900 रुपीज, सो 3,900 रुपीज। क्लियर है? सो ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद आगे चलिए, सेकंड सिचुएशन क्या है? सेकंड सिचुएशन इज उन्होंने एक बैट लिया, जब उन्होंने एक बैट लिया तो वे पे करेंगे फर्स्ट रुपीज, ये केस वन मान सकते हैं यहां। और नाउ दिस इज केस टू, उन्होंने फिर क्या किया, एक बैट लिया तो एक बैट में देना पड़ेगा उनको एक्स रुपीज, फिर उन्होंने थ्री बॉल ली तो थ्री बॉल के लिए पे करना पड़ेगा 3y इक्वल्स टू 1,300 रुपीज। तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह से मैंने इस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर दिया है एल्जेब्रिकली। वो कह रहे हैं कि इसको ग्राफिकली भी कीजिए, ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली एक ही होता है, तो इसको आप अपने आप करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं। एक ग्राफ पेपर ले लेना और सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन के रिगार्डिंग एक दो पॉइंट टेबल तैयार करनी पड़ेंगी आपको। फर्स्ट इक्वेशन के लिए अलग पॉइंट टेबल, सेकेंड इक्वेशन के लिए अलग पॉइंट टेबल बनाना। ठीक है, फिर उन दोनों पॉइंट टेबल के जो पॉइंट होंगे उनको एक ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करके आपको वहां पे दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। ठीक है, वो दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में कट कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर सकती हैं। मैंने बताया था आपको, बेसिकली वी हैव थ्री सिचुएशन ऑन द ग्राफ पेपर, लाइन में भी इंटरसेक्ट, लाइन में भी पैरेलल एंड लाइन में भी कोइंसिडेंट, मींस ओवरलैपिंग केस। ठीक है, तो आपको उन तीनों केस में से कोई एक केस मिलेगा जब आप इन इक्वेशन के पॉइंट निकाल करके ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, उनको आप स्केल से ज्वाइन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, पेज नंबर 44। क्वेश्चन नंबर थ्री में एप्पल और ग्रेप्स की बात हो रही है कि हम एक दिन मार्केट में गए और मार्केट में जाकर के हमने 2 kg एप्पल लिया, 1 kg ग्रेप लिया और हमको देना पड़ा 160 रुपीज उस शॉपकीपर को। हम अनदर डे फिर गए, उस दिन हमने 4 kg एप्पल्स लिए और 2 kg हमने ग्रेप्स लिए, तो हमको पे करना पड़ा 300 रुपीज उस शॉपकीपर को। तो लास्ट में आपको निकालना है कि कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स कितना है एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स कितना है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे यहां पे, हम एज्यूम कर लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज एक्स रुपीज। उसके बाद हम एज्यूम कर लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज रुपीज वाई। हमने एज्यूम कर लिया है कि भाई 1 kg एप्पल की जो कॉस्ट है वो एक्स रुपीज है, 1 kg जो ग्रेप्स की कॉस्ट है वो वाई रुपीज है। ठीक है, इतना एज्यूम करने के बाद अब चलते हैं आगे। अब वो कह रहे हैं कि फर्स्ट डे 2 kg एप्पल लिए, अब 1 kg एप्पल का एक्स रुपीज है, 2 kg एप्पल का हो जाएगा 2x। उसके बाद में 1 kg ग्रेप्स लिया, अब देखो 1 kg ग्रेप्स का कितना अमाउंट है वाई, ये हमने पे किया उसको 2x
प्लस वन, लेकिन बुक में कह रहे हैं कि उसको पे किया हमने 160 रुपीज, तो 2x + y जो हमारे हिसाब से अमाउंट आ रही है, इसको हमें क्वेश्चन के हिसाब से जो अमाउंट जा रही है 160 उसके बराबर रखेंगे और बन गई है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए, आगे उन्होंने अनदर डे 4 kg एप्पल लिया, 2 kg ग्रेप्स लिया। 4 kg जब उन्होंने एप्पल लिया तो उसका हो जाएगा 4x, जब उन्होंने 4 kg एप्पल लिया तो 1 kg एप्पल का x है, 4 kg हो जाएगा 4x। उसके बाद उन्होंने 2 kg ग्रेप्स लिया तो ग्रेप्स का हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 300 रुपीज, दिस इज सेकंड। तो इस तरह से मैंने सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, ग्राफिकली इसको आप अपने आप कर लेंगे, मींस ज्योमेट्रिकली। चलिए एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं आप 3.2, और 3.2 में देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप इनको इक्वेशन में कन्वर्ट करो, उसके बाद इनका सॉल्यूशन निकालिए ग्राफिकली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 49। इन क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली वी हैव टू पार्ट, इन क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव टू पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 ए, फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मैथमेटिक्स का क्विज हुआ, उसमें 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। अब उनमें कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज हैं, तो आगे बोल रहे हैं वो, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, वो कह रहे हैं कि यदि गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा हैं, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो हमें बताना है कि मैथमेटिक्स क्विज में कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं। चलिए मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज इज x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज y। हमने अपनी तरफ से ये एज्यूम कर लिया कि जो 10 बच्चे गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, उनमें x तो गर्ल्स हैं और y, सॉरी x बॉयज हैं और y गर्ल्स हैं। अब हमारे हिसाब से जो स्ट्रेंथ हुई वो हुई x + y, बट क्वेश्चन में कह रहे हैं 10। अब 10 क्या है, 10 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, सो वी कैन राइट फ्रॉम द केस 1 x + y = 10, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 10 बच्चे गए पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उन 10 बच्चों में गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं, सो x + y = 10। ठीक है, चलिए आगे केस सेकंड। उसके बाद कह रहे हैं वो, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। ठीक है, गर्ल्स यानी कि y, दिस इज केस 2, गर्ल्स यानी कि y, वो कह रहे हैं कि गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा हैं। गर्ल्स का मतलब y, बॉयज को हमने एज्यूम किए हुए x, तो वो कह रहे हैं कि ये गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा हैं। ठीक है, इट मींस बॉयज में ऐड किया हमने 4, अब ये इक्वल हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, तो हमने 4 ऐड किया बॉयज में, और अब ये बॉयज एंड गर्ल्स की जो क्वांटिटी थी वो अपने आप में इक्वल हो गई, क्योंकि यहां पे 10 ज्यादा थी ना। अब 10 ज्यादा है तो बॉयज क्या हुए, ऑटोमेटिकली कम हुए,
तो कम वाले में हमने ऐड किया 4 और 4 ऐड करने से ये दोनों अपने आप में इक्वल हो गए। इसको और सॉल्व कीजिए, x को लेके घर आइए, सो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस टू 4, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस प्रॉब्लम को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। ग्राफिकली आप इसको अपने आप करेंगे, कैसे करेंगे सुन लीजिए। दो लीनियर इक्वेशन आप देख रहे हैं बोर्ड पर, फर्स्ट है x प्लस वाई प्लस टू 10, सेकेंड है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस टू 4। दोनों इक्वेशन के रिगार्डिंग दो पॉइंट टेबल आप तैयार करेंगे। ठीक है, जब दोनों पॉइंट टेबल बन जाएंगे उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप वो पॉइंट ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ पेपर एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप दोनों के लिए दो ग्राफ पेपर यूज करेंगे। ठीक है, सिंगल ग्राफ पेपर लीजिए, उस पर दोनों पॉइंट टेबल के पॉइंट प्लॉट कर दीजिए। आफ्टर प्लॉटिंग द पॉइंट ऑफ द पॉइंट टेबल यूज द स्केल एंड जॉइन दिस पॉइंट एंड यू विल ऑब्टेन फाइनली टू स्ट्रेट लाइन। क्लियर? चलिए, उसके बाद में वो दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को जिस पॉइंट पर करेंगे इंटरसेक्ट, उस पॉइंट से डाल देंगे आप दो परपेंडिकुलर, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे। देखो जब आप ग्राफ पे जाएंगे तो ग्राफ को जब बैक की लाइन ऐसे कट करें, हो सकता है कि एक दूसरे के पैरेलल चले जाएं, हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दें, कि जहां से एक वहीं से दूसरी, इस तरह से। ठीक है, तो जब वो दोनों एक दूसरे को कट करेंगे एक सिंगल पॉइंट पे, यूनिक पॉइंट पे, तो वहां से डालेंगे आप दो परपेंडिकुलर, एक नीचे एक्स एक्सिस पे एक बराबर में वाई एक्सिस पे। ये परपेंडिकुलर जहां पे आके मिलेगा एक्स एक्सिस को वो हो जाएगी एक्स की वैल्यू, ये जहां पे जाके मिलेगा वाई को वो हो जाएगी वाई की वैल्यू। ठीक है, यदि एक दूसरे के पैरेलल चली गई तो लिखना पड़ेगा नो सॉल्यूशन, एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया तो लिखना पड़ेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और हम लिख करके उसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे प्रॉब्लम लेते हैं, सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम में वो क्या कह रहे हैं कि भाई हमने फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, प्रॉब्लम नंबर 2, 5 पेंसिल एंड 7 पेन। उन्होंने 5 पेंसिल लिए 7 पेन लिए और कॉस्ट उनकी जो थी वो थी 50 रुपीज, पे किया शॉपकीपर को। फिर अनदर डे वो और गए, उन्होंने 7 पेंसिल ली 5 पेन लिए और शॉपकीपर को उन्होंने पे किया उस दिन 46 रुपीज। तो पूछ रहे हैं आपसे कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1B, लेट cost of one pencil is x rupees and cost of one pen is y rupees। हम पेंसिल और पेन दोनों के कॉस्ट को एज्यूम कर लेंगे एज अ एक्स वाई, बिकॉज वी हैव टू यूज टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सो टू वेरिएबल इज एक्स एंड वाई। उसके बाद केस वन देखिए, केस वन में कह रहे हैं वो कि उन्होंने 5 पेंसिल ली। अब देखो एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है एक्स रुपीज, उन्होंने कितनी ली 5, तो करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई कॉस्ट को। ठीक है, तो हमें पे करना पड़ेगा फिर 5x। उसके बाद उन्होंने 7 पेन लिए। अब देखो एक पेन की जो हमारे पास में कॉस्ट है वो है वाई रुपीज, उन्होंने कितना पेन लिया 7 पेन लिया, तो उनको पे करना पड़ेगा फिर 7y। ठीक है, 7y, तो कुल मिलाकर के ये अमाउंट आ गई जो हमें पे करनी पड़ेगी। लेकिन बुक में कह रहे हैं कि पे किया है 50 रुपीज, सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ केस टू में क्या हुआ, हमने अनदर डे 7 पेंसिल ली। अब एक पेंसिल कॉस्ट कितना है एक्स रुपीज, हमने कितनी पेंसिल ली 7, सो पे करना पड़ेगा 7x। साथ ही साथ हमने 5 पेन भी लिए, अब एक पेन कॉस्ट कितना है वाई, तो 5 में क्या हो जाएगा 5y,
तो कुल मिलाकर कॉस्ट आ गई हमारे हिसाब से 7 पेंसिल और 5 पेन की 7x प्लस 5y, और बुक में क्या कह रहे हैं कि पे करना पड़ा है 46 रुपीज। सो इक्वल्स टू 46, दिस इज सेकंड इक्वेशन, क्लियर। सो इस तरह से दी हुई सिचुएशन को, वर्ड प्रॉब्लम को हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। इसके बाद में इसको ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करेंगे और आंसर निकालेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू ये हम आपको करा चुके हैं। कैसे? क्वेश्चन नंबर टू में आपको जो इक्वेशन दी हुई है, तीन पार्ट दिए हैं इसके। ऊपर लिखा है कि पहले कंपेयर करो a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, और फिर बताओ कि लाइन आपस में कट करेंगी या पैरेलल जाएंगी या फिर कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, तो सुन लीजिए प्लानिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर टू आपको जो दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर टू के तीनों पार्ट में आप बनाइए RHS को जीरो, मींस राइट हैंड साइड शुड बी जीरो। वहां पे जो भी अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर देंगे आप राइट से लेफ्ट में। ट्रांसफर करने के बाद उन दोनों इक्वेशन की आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन से, मींस a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 से, और जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है उसकी कंपेयर करेंगे आप a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से। ठीक है, दोनों इक्वेशन की कंपेयर करनी पड़ेगी आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से। कंपेयर करने के बाद आप फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 c1 निकाल लेंगे, सेकेंड इक्वेशन से आप a2 b2 c2 को निकाल लेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में a1 कोफिशियंट ऑफ x वो आएगा, b1 कोफिशियंट ऑफ y से आएगा, c1 कांस्टेंट टर्म से आएगा। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन से a2 आएगा कोफिशियंट ऑफ x, b2 आएगा कोफिशियंट ऑफ y, एंड c2 आएगा एज अ कांस्टेंट टर्म। उसके बाद जब आप इन 6 वैल्यू को निकाल लेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2, उसके बाद आप निकालेंगे 3 रेशियोज की वैल्यू। वो 3 रेशियोज कौन कौन से हैं सुन लीजिए, a1 upon a2, देन b1 upon b2, देन c1 upon c2। निकाल लेंगे रेशियो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आप चेक करेंगे, चेक क्या करना है बेसिकली, यहां पे जो सिचुएशन आएगी वो 3 सिचुएशन में से कोई एक आएगी। वो 3 सिचुएशन क्या क्या है, उनमें पहली सिचुएशन है, हो सकता है कि a1 upon a2 और b1 upon b2 अपने आप में इक्वल ना हो। सपोज a1 upon a2 आए 5/4, b1 upon b2 आए 7/10, तो जब दोनों अपने आप में इक्वल नहीं होंगे तो हम c1 upon c2 की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ इन दोनों की बात करते हैं। इक्वल नहीं है तो लिख देंगे आंसर यूनिक है, सिस्टम कंसिस्टेंट है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और आंसर आएगा यूनिक। क्यों? क्योंकि इस केस में लाइन करती है ऐसे इंटरसेक्ट एक दूसरे को, तो यहां से आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद केस नंबर टू ये है कि भाई हो सकता है कि a1 upon a2 और b1 upon b2 अपने आप में हो जाए इक्वल, तो यदि वो दोनों अपने आप में इक्वल हो गए हैं तो तब हम बात करते हैं c1 upon c2 की। ठीक है, a1 upon a2 और b1 upon b2 जब बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो तब हम बात करते हैं c1 upon c2 की, उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो c1 upon c2 पे हम केवल तब जाएंगे जब स्टार्टिंग के दोनों अपने आप में इक्वल हो जाएंगे। अब वो उसकी मर्जी है, वो उसकी वैल्यू है, कि हो सकता है कि वो इन दोनों के बराबर हो जाए, हो सकता है कि ना भी हो। जैसे 4/5, 4/5, 7/10, ठीक, 4/5, 4/5, 4/5। तो जब ये केस बनेगा तो लाइन हो जाएंगी कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई जाएंगी, आंसर आएंगे इनफाइनाइट, लाइन बनेगी कोइंसिडेंट, सिस्टम बनेगा कंसिस्टेंट, और आंसर आएंगे इनफाइनाइट। लेकिन जब ये केस होगा तो इस केस में लाइन मूव करेंगे पैरेलल इस तरह से, इस केस में तो आंसर आएगा बिल्कुल नहीं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, सिस्टम बनेगा इस वजह से इनकंसिस्टेंट,
एंड लाइंस आर टर्न्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री में आपसे यही बात पूछी गई है, इसको आप आज करेंगे, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर में भी आपसे ये बात पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर टू में उन्होंने पूछी है लाइन के बारे में कि लाइन कैसी होगी। क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा है कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा, और क्वेश्चन नंबर फोर में पूछ लिया आपसे कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, और साथ में एक बात और पूछी है कि यदि कंसिस्टेंट है तो उसको आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करो, उसका आंसर निकालो। तो क्वेश्चन नंबर फोर में बस आपके पास में एक पार्ट और बढ़ गया कि जहां जहां कंसिस्टेंट आएगा उनको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और वहां से आंसर भी निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स सेवन ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये आपको मैं कल कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर फोर तक आप अपना पार्ट कंप्लीट करें। कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, कोई बात क्लियर नहीं हुई है तो मेरे से पूछ सकता है, प्रॉब्लम शेयर करेगा तो उसको हम जरूर बताएंगे।